मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, रोजगार का क्या होगा, हमारे साथ इस बीच एक बड़ी खबर आ रही निशांत, वो खबर जल्दी से बता दे। किसान निधि को लेकर बहुत बस है, किसान निधि 2,000 रुपए बढ़ सकती है, 6,000 से 8,000 रुपए हो सकती है, 4 किस्तों। भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए। किसान भाइयों, आ गया बड़ा अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर करोड़ों किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार खत्म, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अब की बार किसानों को यहां पर मिल सकती है डबल इनकम, यानी 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए भी यहां पर मिल सकते हैं। हम आपको यहां पर सब कुछ बताएंगे, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। और यहां पर निशान जी, आप जैसे सुन रहे हैं यहां पर देख सकते हैं आप पीएम किसान सम्मान निधि एग्रीकल्चर ऑफ मिनिस्टर की जो वेबसाइट है यहां पर भी आकर देख सकते हैं, और यहां पर भी अपडेट दे दिया गया है। तो बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है 18वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर, और यहां पर किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा, जिसमें अब किसानों को 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए भी यहां पर मिल सकते हैं। तो बड़ा अपडेट है, और हम आपको सब कुछ यहां पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। और बड़ा अपडेट यहां पर क्या निकल कर आ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें किसानों को डबल इनकम यहां पर होगी। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंडिया है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ देश, यहां पर भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा अपडेट यहां पर दे दिया गया है, और जो कि सम्मान निधि योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट है। आपको यहां पर आ जाना है, और यहां पर जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, और यहां पर साफ साफ लिख के दे दिया गया है कि अब किसानों की आय यहां पर बढ़ सकती है। और बड़ा अपडेट है माननीय प्रधानमंत्री जी, 27 जुलाई देख सकते हैं यहां पर बहुत कुछ दिया हुआ है, जो कि 8.5 करोड़ किसान भाइयों को यहां पर पैसा जो था पहले रिलीज कर दिया गया है। अब यहां पर और भी अपडेट आ गया है, और जिसमें सीधा किसानों को पैसा यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, यानी 27-28 जुलाई 2023 में भी जो पैसा है वो यहां पर ट्रांसफर किया गया था। अब यहां पर 18वीं इंस्टॉलमेंट की बात आती है, तो इंस्टॉलमेंट पे भी बड़ा अपडेट यहां पर दे दिया गया है। अब यहां पर किसानों को सीधा सीधा पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, और यहां पर ये इंस्टॉलमेंट जो है जो ट्रांसफर होने वाली है वो यहां पर 18वीं इंस्टॉलमेंट होगी, जो कि किसानों को काफी बड़ा अपडेट यहां पर मिलेगा, जो कि इस साल की यानी 2024 की बात करें तो इस साल की ये तीसरी यानी तीसरी किस्त होगी। एक साल में किसानों को 3 किस्तें दे दी, जबकि पहली किस्त जो है वो फरवरी में यानी 18 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थी, उसके बाद में 28 जुलाई 2024 को रिलीज की गई थी, और यहां पर सारी किस्तें जो है वो अब यहां पर ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहां पर जो बात आती है 18वीं इंस्टॉलमेंट की आती है, तो अब 18वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो अब यहां पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाला है। तो किसान भाई, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 18वीं इंस्टॉलमेंट का अनाउंसमेंट अब होने वाला है, और जिससे किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में यहाँ पर देखने मिल को जो है वो मिल सकता है। तो बड़ा अपडेट क्या है, चलो हम आपको सब कुछ बता देते हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, 76,220 करोड़ रुपए मूल्य के वाढ़वन बंदरगाह का शिलान्यास, 757 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न किसानों के लिए बड़ा अपडेट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो 18वीं किस्त है उसमें करोड़ों किसान भाई कर रहे इंतजार, अब इंतजार खत्म, क्योंकि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आ गया है। आपके लिए गुड न्यूज मैं यहां पर देने वाला हूं किसान भाइयों, और आपको बड़ा अपडेट भी यहां पर दूंगा, और जिसमें आपको बताने वाला हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब की बार जो 14वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं या फिर 17वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं जो किसान भाई, उनके लिए बड़ा अपडेट यहां पे आ चुका है। अब ये पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाला है। सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेके 9 करोड़ किसान भाइयों को यानी 18,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो अब यहां पर ट्रांसफर होने वाली है। बड़ा अपडेट
यहाँ पर निकल कर आ रहा है। किसान भाइयों, आप एक चीज भूल जाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है, जो कि किसान भाई, करोड़ों किसान भाई यहाँ पर बेसब्री से कर रहे थे 18वें इंस्टॉलमेंट का इंतजार, तो अब वो इंतजार यहाँ पर खत्म होने वाला है। क्योंकि हम आपको बता दें, पिछले साल 17वें इंस्टॉलमेंट 18 जून 2024 को रिलीज कर दी गई थी, जो कि 9 करोड़ किसान भाइयों के खाते में 18,000 यानी 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि थी वो यहां पर ट्रांसफर हो चुकी थी। अब यहां पर बात आती है 18वीं इंस्टॉलमेंट की, क्योंकि 18वीं इंस्टॉलमेंट को लेके बड़ा अपडेट यहां पर दे दिया गया है। अगर आप एक किसान है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट का कर रहे इंतजार, तो अब इंतजार यहां पर खत्म हो चुका है। हम आपको यहां पर सब कुछ बताएंगे, राहुल जी आप हमारे साथ में बने हैं और हम आपको यहां पर सब कुछ बताने वाले हैं, जिससे किसानों को सीधा बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है। राहुल जी बताइएगा कि अब जो किस्त है यानी जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है उसका जो किसान भाई हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो वो किस्त कब रिलीज होगी और कितने किसान भाइयों को मिलेगी, अब की बार यहां पर हमें आपको बताना है। तो राहुल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और अभी आपको यहां पर संबोधित करेंगे पीएम मोदी, और जिसमें 18वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर बड़ा अपडेट यहां पर दे दिया गया है। उससे पहले मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहूंगा जो कि किसानों के लिए बड़ा अपडेट है और जिससे किसानों को काफी सारा यहां पर बेनिफिट होने वाला है। उससे पहले यहां पर सुन लीजिएगा, जो किसान भाइयों को 18वीं इंस्टॉलमेंट यानी 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था या फिर 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, ऐसे में उन्होंने अपनी ई केवाईसी नहीं करी थी, तो उनके लिए भी बड़ा अपडेट यहां पर दे दिया गया है। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा फंडा ये आता है, जो भी किसान भाई हैं और जो इंतजार कर रहे हैं, तो ये पैसा उन्हीं किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जिनकी आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और ई केवाईसी कंप्लीट है। इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो अब वो भी कुछ ही दिनों में उनके किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है, यानी कुछ ही समय में जो है उनके खाते में आ जाएगा। जिन किसान भाइयों को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो उनको भी अब यहाँ पर सरकार का जो पैसा है वो ट्रांसफर करेगी। सम्मान निधि योजना के तहत अब तक भारत सरकार ने किसानों को 17 किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है, यानी अगर बात की जाए तो 17,34,000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है 18वीं इंस्टॉलमेंट की, या फिर जो किसान भाई रह गए हैं उनकी, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपने अपनी जो जमीन है उनकी आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग और ई केवाईसी ये तीनों करा रखे हैं, तो आपके खाते में पैसा कभी भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त लेने के लिए यहाँ पे 3 चीजें कंपलसरी कर गई है, जिसमें आपकी आधार सीडिंग, बैंक सीडिंग और ई केवाईसी ये तीनों कंपलसरी हैं, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जाएगा। और बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है किसानों के लिए, अब यहाँ पे खाद के लिए, बीज के लिए और उर्वरक के लिए भी पैसे यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, जो कि आपको 2,000 रूपए की रकम बढ़ाकर 4,000 रूपए भी हो सकती है, जिससे किसानों को अब काफी सारा बेनिफिट होने वाला है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2025 तक जो है किसानों को 2,000 रूपए की जगह 4,000 रूपए भी मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता होगा, जब 17वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई थी तो उसी के साथ ही ऐलान किया गया था कि किसानों की आय को डबल किया जाएगा। अगर किसानों की आय डबल होती है तो 2,000 रूपए की जगह जो है वो 4,000 रूपए उनके बैंक खाते में आने की संभावना है। हम आपको एक जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब किसानों की हो गई बल्ले बल्ले।